अच्छा जी, अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए जिसे आपने नाम दिया किसका, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मानी होता है इलिमिनेशन, किसी चीज को निकाल देना वो डी, जो चीज निकाली जा रही है वो ऑक्सीजन। राइबोस कहते हैं फाइव कॉर्नर शुगर को राइबोस कहते हैं। न्यूक्लियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिड में होता है। एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 4 से लेकर 5.8 तक होती है, दैट इज कॉल्ड डीएनए। अब इसका इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, C5H10O4। यानी कि जो सेकंड कार्बन होती है उस सेकंड कार्बन का जो ग्रुप होगा सी ग्रुप जो होता है वहां से एक ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये क्या होती है, मिस होती है, जिसकी वजह से हम इसको नाम क्या दे देते हैं, डीएनए का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल जो वरासती माता होता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इनके ऊपर, यानी कि बहुत सारा तजाद है कि किसने सबसे पहले कैसे फाइंड आउट किया, कहाँ से फाउंड आउट किया, तो वो आप थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जिसमें आपने जिक्र किया था कि बेसिकली तौर पर 1869 की बात है, 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामी एक पर्सन था, फ्रेडरिक मिशर, इस बंदे ने सबसे पहले स्टडी किया था किसके अंदर, पस सेल, फिश स्पर्म सेल, ह्यूमन सोमेटिक सेल। ठीक है, इन सेल्स के अंदर इसने स्टडी किया था किनको, न्यूक्लियक एसिड को। अब आप तारीफ क्या करते हो न्यूक्लियक एसिड की, कि द डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियक एसिड, डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियक एसिड। जस्ट इसने ये तारुफ करवाया था कि बेसिकली तौर पर जो सेल है, सपोज आपके पास ये सेल है, सेल सेल के मिड में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब आप उनके पीएच की बात करते हो तो पीएच वैल्यू के लिहाज से वो एसिडिक होते हैं। डीएनए की पीएच वैल्यू होती है 4 to 5.8 के करीब, और जबकि जो आरएनए होता है वो 4 to 5 होता है। ठीक है, अब ये दरमियान में न्यूक्लियक होने की वजह से, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ये मिड में होता है, और इस मिड के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो असल में जेनेटिक इंफॉर्मेटिव एक स्ट्रक्चर होती है, वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर्स है वो आपके पास क्या है, डीएनए। जस्ट इसने ये तारुफ करवाया था कि डीएनए यहाँ पर मौजूद होता है, और कोई एलैबोरेशन नहीं दी डीएनए किसका बना होता है कि किसका नहीं बना होता। अच्छा, फिर इसके बाद 1920 के अंदर P11 नामी एक पर्सन ने इसका इसका बताया कि डीएनए किसका बना होता है, P11। इसके मुताबिक बेसिकली तौर पर क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि डीएनए बेसिकली तौर पर किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। अब व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री थिंग्स, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, थ्री थिंग्स का कॉम्बिनेशन है। अब वो जो तीन चीजें हैं वो बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, उन तीन चीजों में सबसे पहली जो चीज होती है उसे नाम दिया जाता है एन बेस का, जिसे आप कहते हो नाइट्रोजनस बेसिस।
वो गए गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन और एडेनिन। दूसरी जो से होते हैं, हाँ पांचवी होती है यूरासिल, लेकिन ये किस में इस्तेमाल होती है, आरएनए में इस्तेमाल होती है, डीएनए में नहीं। दूसरी जो चीज़ होती है वो आर शुगर होती है, जिसको राइबोस शुगर कहते हैं। इसके फाइव कॉर्नर होते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये एक कोठी नुमा एक स्ट्रक्चर बनती है ये वाली। तीसरी जो चीज़ होती है उसे नाम दिया जाता है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। फॉस्फेट एक ग्रुप बने हुए होते हैं, फॉर्मूला H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट के ग्रुप PO4-2 होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, अब टू टर्म्स हैं, वो दो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। एक जो टर्म है वो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरी जो टर्म है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये क्या होता है। अच्छा, अगर आपके पास दो ग्रुप आपस में मिल जाएं, कौन कौन से, एन बेसिस आपस में मिल जाएं और एन बेसिस के साथ साथ आर शुगर यानी कि राइबोस शुगर, ये दो चीजें मिल जाएं विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, आप ऐसा करें, न्यूक्लियोसाइड को अभी आपने कहा न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का बना हुआ है, अब आप ऐसा करें इन्हीं दो चीजों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के साथ मिला दें किस चीज को, फॉस्फेट ग्रुप को। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा तब क्या चीज प्रीपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स। PA11 ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं एन बेसिस के लिहाज से, एक जो सी होती है एन बेसिस उन्हें नाम दिया जाता है कि इनका प्यूरिन्स का, और दूसरी एन बेसिस को नाम दिया जाता है किसका, पायरामिडिन्स का। प्यूरिन्स याद रखिएगा ये हमेशा दो होती हैं, गुआनिन और एडेनिन, क्यों, क्योंकि जो प्यूरिन्स होती हैं ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस होती हैं। जबकि जो पायरामिडन्स होती हैं इनके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी, थायामिन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, ये तीन मिलकर आपस में जो बनाती हैं वो पायरामिडन्स होती हैं, और पायरामिडन्स में क्या होता है, सिंगल रिंग, इनमें सिंगल रिंग होता है किन का, एन बेस का, ये दो रिंग बनाते। अच्छा, इनका डबल रिंग कैसा होगा, एक जैसे आप बेंजीन बना रहे हो ठीक, ये सिक्स कॉर्नर होगा, ये फाइव कॉर्नर होगा, लेकिन इनके ये वाले एजेस क्या होंगे, आपस में शेयर किए हुए होंगे। अब इनका क्या होगा, इनका एक ही रिंग बना हुआ था। ठीक हो गया जी, अच्छा पी ए लेवल है ये चीज कही। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू पी ए लेवल बेसिकली तौर पर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, अब इन नाइट्रोजनस बेसिस में जो आर ग्रुप होता है, आर जिसे कोई आप राइबोस शुगर के नाम से जानते हैं, चलें आप इसको इलेबोरेट कर लें, उसने कहा कि जो आर ग्रुप होता है ना इसके पास दो रिंग है, एक असल सॉरी पांच कॉर्नर, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसकी जो फर्स्ट कार्बन होती है, फर्स्ट कार्बन, इसकी पहली कार्बन के ऊपर जो चीज मौजूद होती है उसे नाम दिया जाता है एन बेस का, वो नाइट्रोजनस बेस होती है। जबकि इसकी जो फिफ्थ कार्बन होती है उस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगा होता है वो फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पहली कार्बन के ऊपर हमेशा यानी कि जो बाइंड होगा वो एन बेस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जबकि पांचवी कार्बन के ऊपर जो चीज अटैच होती है वो फॉस्फेट ग्रुप होती है। और याद रखिएगा इसी आर शुगर के अंदर जो थर्ड कार्बन होती है, तीसरी कार्बन, इस कार्बन के ऊपर हमेशा जो ओ एच ग्रुप होता है ये फ्री होता है। अब यहां पर आप दो ग्रुप्स की बात करोगे, एक आप ग्रुप की बात करोगे ओ एच ग्रुप की और एक आप फॉस्फेट ग्रुप की बात करोगे, ये आप दो ग्रुप की बात करेंगे, तो पांचवी कार्बन के ऊपर जो बिल्कुल चीज फ्री होती है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि जो तीसरी कार्बन होती है यहां पर जो ग्रुप बेसिकली तौर पर फ्री होता है वो कौन सा होता है, वो ओ एच का ग्रुप बिल्कुल फ्री मौजूद होता है। अच्छा चले बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गई आर ग्रुप राइबोस शुगर, ये पहली कार्बन राइबोस की पहली कार्बन। ठीक है, यहां पर बेसिकली ऊपर क्या मौजूद है, बेस, नीचे क्या मौजूद है, एच।
मैंने आपको बताया दूसरी कार्बन पे आपने ओ मिस कर देना है। जब आप इसको ओ को मिस करोगे फिर डीएनए, अगर आपने ओ को यहां मिस ना किया फिर आरएनए, क्योंकि जो आरएनए है उसका फॉर्मूला क्या है, आरएनए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C5H10O5 होता है, जबकि आपने ये कहा था कि डीएनए में ऑक्सीजन चार होती है, चौथी जो ऑक्सीजन है यानी कि वो जो पांचवी ऑक्सीजन है वो मिस हुई हुई है किस पे, सेकंड कार्बन पे। अब थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है, एच और ओ एच, इसके बाद फोर्थ कार्बन, और इसके साथ ये फिफ्थ कार्बन जो सी लगेगी वो CH2, यहाँ पर लग जाएगा OH, यहाँ लगेगा CH2OP, उसके ऊपर OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, ठीक है। तो पांचवी कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप होगा फॉस्फेट का, इसे हम P ग्रुप कह देंगे, ये बिल्कुल फ्री होगा, और जबकि तीसरी कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप बिल्कुल फ्री होगा, ये ओ एच ग्रुप है, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बन गई, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब आप ऐसा करें, इसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देते हैं, सपोज न्यूक्लियोटाइड्स, आपने यही कहा कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, इसी तरह आप सेकंड भी यहां बना लें। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो ये वाला जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, यहाँ पर इनके इन बेसिस लगी हुई हैं, तो ये पहली कार्बन आ जाएगी, ठीक है, ये दूसरी कार्बन आ जाएगी, ये पहली कार्बन, दूसरी कार्बन के ऊपर ओ मिस है तो ये डीएनए बन जाएगा, अगर आपने ओ लगाया तो ये आरएनए प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाला जो फॉस्फेट का ग्रुप था इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि तीसरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल का ग्रुप था ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएगा तो यहाँ से फिर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से इस साइड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या रह चुकी है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इन पी और ओ, पी और ओ सी बॉन्ड बन जाएगा, हम इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से प्रीपेयर्ड होता है, आप इसी स्ट्रक्चर को आगे ले जाओ, इसी मॉलिक्यूल्स को दोबारा फिर बना ले, यहां बेस आ जाएगी, यहां एच आ जाएगा, H यहाँ H आ जाएगा, यहाँ अंदर H आ जाएगा, अब यहाँ ना लगाएं क्योंकि अभी वो बॉन्ड बनना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्रिएट होना है। इस जगह पर आप लगा लें H लगा लें, यहाँ पर CH2 लगा लें, यहाँ पर O, यहाँ पर P, P
पी के ऊपर ओ एच, यहाँ पर साइड पर ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ नेगेटिव, ये आपके पास आ गया फॉस्फेट का ग्रुप। यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लें, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा राइबोस शुगर, ये इसके एजिस बन जाएंगे, इन एजिस के ऊपर ये पहले बेस आ जाएगी, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ भी एच, यहाँ ओ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा एच, इस जगह आ जाएगा सी एच टू ओ पी। अब यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा ओ, ठीक है जी, यहाँ और इनके दरमियान क्या आ जाएगा ओ का ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि आपने यही कहा है ना कि यहाँ से ओ एच और यहाँ से ओ एच दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा पीछे, तो ओ बच गया ना, ये ओ यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इनके बॉन्ड खींच ले तो बॉन्ड क्या बनते हैं, देखें एक ये बन रहा है पी ओ सी बॉन्ड, ठीक है, एक हो गया। सेकेंड जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो ये देखिएगा पी ओ सी बॉन्ड, ऐसे ही एक पीओसी बॉन्ड यहां बन रहा है पीओसी पीओसी, सेकेंड पीओसी बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो रहा है पीओसी, इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, लेकिन इसे कहा जाता है डबल फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये जो पीओसी है ना पीओसी, इसे कहा जा रहा है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, लेकिन ये आपके पास कहलाएगी डबल, डबल क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये दो पीओसी बन रहे हैं, ठीक हो गया, तो इसीलिए जब दो पीओसी बने तो हम डबल फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज की यहां पर बात करेंगे। और साथ में आपने क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल जो इलिमिनेट हो रहा था किसका, वाटर का, वो ऐड कर देना एच टू, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ लगी। तो पी ए लेवल ने ये कहा था कि बेसिकली तौर पर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये किन पे कंसिस्टेड, ये जो हमारा डीएनए होता है ये कंसिस्टेड होता है न्यूक्लियोटाइड्स पे, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, एरवन चारगफ नामी एक पर्सन था 1953 के अंदर, उसने एक रूल दिया था 1953 के अंदर, एरवन चारगफ, एरवन चारगफ, इस बंदे ने एक बात कही थी, इसने ये कहा था कि असल में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिनमें गोवानिन जोन्स होती है वो तीन बॉन्ड साइटोसिन के साथ, एडनीन दो बॉन्ड जोन्स होते हैं वो थायमिन के साथ बनाती हैं, ये हमेशा इक्वल होती हैं किसमें, डीएनए में। इसने एक बात कही थी, इसने ये कहा कि बेसिकली तौर पर एरवन चारगफ, इसने कहा नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट सिमिलर इन ऑल न्यूक्लिक एसिड, एडनीन थायमिन साइटोसिन एंड गुआनिन आर नॉट इक्वल एट ऑल। दूसरी बात इसने ये कही कि गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन एंड एडनीन इक्वल टू थायमिन इन डीएनए, लेकिन इसने ये कहा था कि जो आरएनए होता है उस आरएनए में एक तो एन बेसिस इक्वल नहीं होती, इन आरएनए एन बेसिस आर नॉट इक्वल एंड थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल, ठीक हो, यहां तक बात समझ लगी। ये आपका मेन टॉपिक था जिसमें आपने नेचर ऑफ
केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की बात की, तो डीएनए याद रखिएगा बेसिकली किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो डीएनए इज अ पोली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या डीएनए इज अ पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो है, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ये वाली बयान की हुई, ठीक है। तो अगला जो सा है वो उन्होंने रूल बयान किया हुआ है किसका, वाटसन क्रिक मॉडल का, वो भी आप जानते हैं 9th की वो बातें हैं, वो सारी वही आपने पुरानी पढ़ी हुई है कि डबल हेलिकल एक स्ट्रक्चर होती है, वो किसने फाइंड आउट की थी, कैसे फाइंड आउट की थी, तो वो थोड़ा सा होगा, वो फिर हम लेटर मतलब के डिस्कस कर लें, ठीक हो गया जी।